नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। सबसे पहले हमारी गहरी संवेदना तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है, जो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है, हताहतों के साथ इस संकट की घड़ी में हम अपने को खड़ा हुआ पाते हैं। दोस्तों, आज के खोज खबर कार्यक्रम में आप मेरे साथ सफर करिए और देखिए कि भारतीय लोकतंत्र में ये जो पटकथा लिख रहे हैं, जिस तरह से पठान फिल्म या कोई भी फिल्म उसकी कहानी लिखी जाती है और उसी के हिसाब से किरदार एक्टर एक्टिंग करते हैं, भारतीय लोकतंत्र में भी तकरीबन ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए, देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर सीधे सीधे दिल्ली पुलिस आती है गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में, और जिस तरह से देश के संविधान की, हमारे आपके बीच भाईचारे बंधुत्व की धज्जियां उड़ रही हैं, मारने और हथियार उठाने की बातें कही जा रही हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ यह दिखाई देता है और दूसरी तरफ हमें दिखाई देते हैं योग के नाम पर कारोबार करने वाले रामदेव, जो राजस्थान में पहुंचकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं और दूसरे ढंग की नफरत की खेती को बोने की कोशिश करते हैं। यह अचानक क्या हुआ है भारतीय लोकतंत्र में कि अचानक ही एक साथ अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से इस तरह के नफरती एजेंट हमारे सामने आते हैं और दुहाई देते हैं, सीधे सीधे कैमरे पर आकर बोलते हैं, कहते हैं कि देश का संविधान कुछ नहीं है, देश में हम और आप कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफरत है और उनका तथाकथित हिंदू राष्ट्र है। आखिर इस स्क्रिप्ट को लिखने के पीछे मंशा क्या है? आइए थोड़ा टटोलते हैं कि अचानक ही यह नफरत का उबाल क्यों आया है, कैसे रामदेव राजस्थान में और देश की राजधानी दिल्ली में, साथ ही साथ कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जहां भी नजर दौड़ाइए यह लिंचिंग भीड़ उग्र नजर होती भी दिखाई दे रही है। कहीं इसका ताल्लुक सीधे सीधे इस समय जो संसद में सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, उसमें विपक्ष जो मांग उठा रहा है, उससे दिमाग डाइवर्ट करने की साजिश तो नहीं है, ताकि सारा मीडिया एक साथ जो विपक्ष की आवाज है, जो मांग है, उससे ध्यान हटाकर इन तमाम बिंदुओं पर बात करने लग जाए, जैसा हमें भी आपके साथ करना पड़ रहा है। सवाल बहुत साफ है कि जिस तरह से संसद में अकूत बहमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं, जिस तरह से उनके प्रिय उद्योगपति पर निशाना सधा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच से सधा है, जांच अंतर्राष्ट्रीय मंच से हुई है, हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है जिसने मोदी जी के प्रिय उद्योगपति को संकट में गिरा दिया है, पायदान से नीचे गिरते ही जा रहे हैं वह, जो विश्व की सूची है अमीरों की, और इस बीच जो बुनियादी सवाल उठा है कि यह जो विकास का तंत्र और मंत्र चल रहा था, इसमें सिर्फ एक ही शख्स क्यों बढ़ा जा रहा था, इस पर देश की संसद के भीतर जवाब देने के बजाय मोदी जी जब भाग रहे हैं, ठीक उसी समय यह नफरती एजेंट सड़कों पर उतर रहे हैं। यह बहुत बुनियादी सवाल है कि 2014 से लेकर 2023 तक जिस अच्छे दिन की दुहाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को दी, जो विकास का मंत्र और तंत्र फूका, आखिर वह विकास का तंत्र और मंत्र जब बुरी तरह से औंधे मुंह गिर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, बजट पेश होता है लेकिन तब भी मोदी जी के प्रिय शेयर मार्केट में उछाल नहीं आता है, और तो और उनके प्रिय उद्योगपति पर जब अंतर्राष्ट्रीय मंच से निशाना साधता है और सवाल उठता है कि आखिर इस तरह से सिर्फ एक उद्योगपति को आखिर क्या कहकर
तरजीह दी गई, सारे के सारे नियम कायदे किनारे कर दिए गए। ऐसे में विपक्ष पहली बार संसद में इस तरह से लामबंद दिखाई देता है। और ठीक उसी समय देश की संसद में जब सरकार को कायदे से नियम के अनुसार जवाब देना है, उस समय देखिए सरकार और सरकार के पक्ष में जो खड़ा मीडिया है वह किन मुद्दों को हमारे और आपके सामने परोस रहा है। आखिर इतना ज्यादा खौफ क्यों? देश के अल्पसंख्यकों पर हमला, उनके खिलाफ नफरत, ये सारा का सारा जो क्रम है, ये सारे के सारे वीडियो जो आपको व्हाट्सएप से और बाकी टीवी चैनल से मिल रहे हैं, इनका मकसद बहुत साफ है। और थोड़ी क्रोनोलॉजी और अच्छे से समझनी हो तो देखिए असम के मुख्यमंत्री किस तरह से वह तमाम कानूनों को धता बताकर वहां पर असम की धरती पर उन तमाम शादियों पर गाज गिरा रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं जहां पर उनके हिसाब से बाल विवाह हुए। ऐसे ऐसे केस सामने आ रहे हैं, 10 साल हो गए शादी को, 15 साल हो गए शादी को, और ऐसे तमाम लोग निशाने पे लिए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। मकसद उस पूरे इलाके में अनेक राज्यों में चुनाव होना है और इन चुनावों के मद्देनजर मुसलमानों का दानवीयकरण करना और मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करना बहुत जरूरी है। और यह काम सीधे सीधे जब मुख्यमंत्री करने लगे, वह पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी करने लगे, तब मामला और साफ हो जाता है कि यह पूरी की पूरी नफरती ब्रिगेड इतनी कोशिश क्यों करती है सत्ता हासिल करने के लिए। इससे पहले हमने देखा कर्नाटक में जहां चुनाव होने हैं वहां पर किस तरह से लगातार मुद्दे को बनाकर मुसलमानों के खिलाफ, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो, चाहे सो कॉल्ड लव जिहाद का मसला हो, लगातार मुसलमानों को निशाने पर लेकर कोशिश की जा रही है कि हिंदू जनता, हिंदू वोटर किसी और सवाल पर सोचे ही नहीं, समझे ही नहीं, बात ही ना करे, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान और नफरती एजेंडे पर सोचना उसकी मजबूरी हो जाए। और ऐसे में न बेरोजगारी मुद्दा रहेगी और ना ही यह मुद्दा बनेगा प्रधानमंत्री जी के प्रिय उद्योगपति देश को, LIC को, SBI को किस तरह से रसातल में ले जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए का जो लोन लिया हुआ है, जो हमारा और आपका पैसा है, उसे लेकर किस तरह से वह विकास की पोल का ढोल बजा रहे हैं। आइए इसी तरह से जो लोकतंत्र के साथ सरकारें खिलवाड़ करती हैं उनका एक और उदाहरण जो हमें और आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जो सरकारें मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ या उन सरकारों के पूरे प्रश्रय पर पड़ने वाले लोग, संगठन नफरत फैलाते हैं, अब आप देखिए कि वे लोग जोशीमठ पर किस तरह का खेल करते हैं। उत्तराखंड जोशीमठ धार्मिक स्थल है और लगातार वहां से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तथ्य आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जोशीमठ धस रहा है। धसने की वजह सरकार, सरकारी योजनाएं, जिस तरह से बड़े पैमाने पर वहां ब्लास्ट हुए, विकास का सो कॉल्ड काम चला, उसने जोशीमठ को मरने के कगार पर पहुंचा दिया है। लेकिन देखिए इसी समय एक सर्वे होता है और वह सर्वे बताता है देश के सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी, और यह पूरा का पूरा गंदा खेल हमारे और आपके पैसे से चलता है। और बताने की कोशिश होती है कि दरअसल जोशीमठ इतना बड़ा संकट नहीं है, यहां पर हिंदुओं को हिंदुओं की याद नहीं आती, लेकिन नफरत फैलाने वाली ब्रिगेड देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचकर नफरत फैलाती है। अब देखिए जंतर मंतर पर जो ब्रिगेड उतरी है, जो धर्म संसद, सो कॉल्ड कोट अनकोट धर्म संसद हुई है, उसने क्या आह्वान किया है और वे लोग क्यों जुटे हैं? वे लोग जुटे हैं देश की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 13-14 जनवरी को साफ साफ शब्दों में कहा कि सुदर्शन न्यूज का जो एडिटर है सुरेश चव्हाण,
उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी दिल्ली पुलिस को, वह कार्रवाई नहीं की। 2 हफ्ते का समय दिल्ली पुलिस को दिया। मामला क्या था? 2021, जी हां 2023 में हम बैठे हैं, 2021 को दिल्ली में एक कार्यक्रम में खुलेआम सुरेश चौहान आह्वान करते हैं, हिंदुओं से कहते हैं कि उन्हें हथियार उठाना होगा, अल्पसंख्यकों को मुसलमानों को मारना होगा, हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। यह सब वह मीडिया के सामने कहते हैं। और इसके बाद 5 महीने तक इस पूरे मामले में FIR तक नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट फिर जगता है, कुछ हंगामा मचता है, FIR होती है और 8 महीने तक, यानी 2022 में अप्रैल के बाद से जनवरी आ जाती है, कोई चार्जशीट नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में बेंच बैठती है और दिल्ली पुलिस से पूछती है कि आखिर इस शख्स में ऐसा क्या है, क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी, जवाब दो। और देखिए देश की राजधानी दिल्ली में फिर उपद्रवी तत्व सीधे सीधे उतरते हैं। और यहां ध्यान दीजिए, ये उपद्रवी तत्व उतरते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में, खुलेआम। इस शख्स की जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, यह शख्स भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का मीडिया प्रभारी है और खुलेआम यह कहता है कि किसकी हिम्मत है कि हमें छू ले, सुरेश चौहान को छू ले और देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोक दे। यह आलम हो गया है देश के लोकतंत्र का। चौहान के को कोई हाथ लगाएगा तो आप हाथ लगाने देंगे क्या? सुरेश चौहान के को कोई छेड़ेगा तो आप उसको छोड़ोगे क्या? हिंदू राष्ट्र बनाने से हमें कोई रोकेगा उसे आप छोड़ोगे क्या? अपने इस कार्यक्रम में मैं सीधे सीधे सवाल उठाना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी, आप कहाँ हैं? आप तो देश की संसद को चला रहे हैं, बजट सत्र चल रहा है और ठीक इसी समय देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर ये जो तत्व उतरे हैं, जो देश के लोकतंत्र की ही नहीं, हमारे आपसी भाईचारे और बंधुत्व की हत्या करने पर उतारू हैं, ये लोग आपकी पार्टी के ही लोग हैं, आखिर इन्हें आपने इस तरह की छूट क्यों दे रखी है? क्या मजबूरी है कि देश की राजधानी में ये तत्व उतरकर खुलेआम हिंसा का प्रचार प्रसार करते हैं और चुनौती देते हैं कि कौन है जो उन्हें रोकेगा? क्या भारतीय लोकतंत्र 2023 में इस मुकाम पर पहुंच गया है? क्योंकि आप बार बार बीच बीच में कई और तरह के संकेत भी देते हैं, लेकिन जब ये लोग हिंसा पर उतारू यह भीड़ ललकारती है, तब आप क्यों दुबक जाते हैं, क्यों नहीं सामने आते और अपना स्टैंड क्लियर करते हैं? दोस्तों, एक बात जो बहुत साफ हो गई है, 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और इसी बीच बहुत तेजी से मोदी सरकार की साख गिरी है। मोदी सरकार के प्रिय उद्योगपति गहरे संकट में घिर गए हैं और ऐसा सब कुछ जब हो रहा है, तब नफरती तत्वों को जमीन पर उतार दिया गया है ताकि भारतीय लोकतंत्र में बुनियादी सवाल एक बार फिर हाशिए पे चले जाएं। और शायद यह जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, जो चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र हो, वे सामने आएं और खुलकर कहें कि हमारा लोकतंत्र नफरत की भेंट नहीं चढ़ सकता, हमारे लोकतंत्र में ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया।